वाले हैं ही, आप हजरात बयान सुनते सुनते थक चुके हैं, मैं अपने बयान को इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं अर्ज करूँगा। जो आयत शरीफा मैंने पढ़ी है, इस आयत शरीफा में अल्लाह ने याद बनाए हैं, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों की सोहबत अख्तियार करो। मालूम ये हुआ कि अल्लाह का डर अल्लाह वालों की सोहबत से आएगा और सोहबत के सभी कायल हैं, सोहबत सालेह थोड़ा सालेह है, सोहबत तालेह थोड़ा तालेह, नेकों की सोहबत में नेक बना देगी, बुरों की सोहबत में बुरा बना देगी। अल्लाह ने सोहबत के अंदर बड़ा असर रखा है, सभी इसके कायल हैं। बड़े अफसोस का मकाम है कि आज खौफ खुदा का फकदान है कि जिसकी वजह से हम इंसान के बनाए हुए चीज़ों से तो डरते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं डरते। और नतीजा यह है कि पूरी दुनिया तबाही के दहाने पे आ चुकी है, दुनिया में कोहराम मच रहा है। तो कारी साहब ने हाल ही में सीसी कैमरा लगाया है, सभी असाज़ा तलबा चौकन्ना हो गए, क्या मोहताब तरीके से रहना है। तो एक अपने जैसे इंसान की बनाई हुई चीज़ों से सबके अंदर इसकी फिक्र आ गई, सब मोहताब बने हुए हैं। लेकिन अल्लाह ने जो हमें पैदा किया है और किस मकसद के लिए पैदा किया है, मकसद जिंदगी क्या है, आज बिल्कुल फरामोश किए हुए।